हेलो फ्रेंड्स, एचडी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए, बीच में जालीदार है और यहाँ पर ये डिबिया बनाई गई है। अब मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊंगी ये कैसे बनाया गया है। ये 7 फंदों से बनाई गई हैं और ये यहाँ पर हमने 5 फंदे रखे हैं। अब इसको कैसे शुरू करेंगे ये देखिए आप। ये देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर पता चलेगा आपको कैसे बनाया गया है। एक फंदा स्लिप कीजिए, 2 फंदे उल्टा रखिए, धागा पीछे करिए और यहाँ पर आप 7 फंदे उल्टा बुनिए। 1, 2, 3, यानी कि सीधे बुनने हैं आप। 4, 5, 6, 7, 7 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुने। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टा बुने। फाइव फंदे उल्टा बुने। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक डिब्बी बुनी है। इस प्रकार से इस डिजाइन को आपने डालना है। 2 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे। अब इसके आगे फिर से 7 फंदे सीधे, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 फंदे सीधे। अब इसके आगे यहाँ आप डिब्बी बनाएंगे तो आप 5 फंदे रखें। अब हमने यहाँ पर हाफ डिब्बी बनाई है, ये जैसे लास्ट में बनती है, तो यहाँ पर हमने 2 फंदे उल्टे रखे हैं। 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा स्लिप कीजिए। ये देखिए, अब रॉन्ग साइड से 2 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ पर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। सेवन फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 7 फंदे फिर उल्टे, 2 फंदे सीधे। ये देखिए, ये दोनों साइड से बनाया है। 7 फंदे यहाँ पर सीधे बने हैं और 5 फंदे उल्टे बने हैं। अब आगे कैसे शुरू करेंगे आप देखिए। इस प्रकार से आप 2 रो भी बना सकते हैं और 4 रो भी बना सकते हैं। अब हमने 2 रो यहाँ कंप्लीट कर ली हैं और अब 2 रो इसी प्रकार से फिर से बनाएंगे। 7 फंदे सीधे, 1 डिब्बी को बड़ा करें तो आप ज्यादा फंदे भी रख सकते हैं। 5 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे। ये देखिए, 3 रो कंप्लीट हो गई। अब ये आ गई हमारी 4th रो। 4th रो भी इसी प्रकार से चलेगी जैसे 2 रो डाली थी। उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा।
उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। फोर रो कंप्लीट करके फिर देखिए आप किस प्रकार से ये डिजाइन बनाना है। अब यहाँ देखिए, वन फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, धागा आगे करके इस पर हम एक लूप लेंगे ऐसे करके घुमाकर। यहाँ पर जाली डालनी है तो एक लूप लेंगे, दो फंदे ये उल्टा बुनेंगे, दो फंदे उल्टा बुने, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इस फंदे को हम घुमा देंगे ऐसे और इन दोनों फंदों का एक करेंगे इस प्रकार। अब बीच के फंदे हम सीधा बुनेंगे, थ्री फंदे सीधा बुन लिए। अब दो पीछे के फंदे लेने हैं और इन दोनों फंदों को ऐसे लेना है आगे की साइड से, ऐसे दो का एक करेंगे। धागा अपनी तरफ किया, दो फंदे उल्टा रखें। अब यहाँ पर धागा देखिए आप इसी प्रकार से रखिए और इस बीच वाले फंदे को ऐसे पीछे की तरफ बुनिए, आगे से धागा पीछे की तरफ लेकर जाइए ऐसे। अब यहाँ आप लूप भी ले सकते हैं ऐसे करके, या फिर पीछे धागा रखे हुए जब इस फंदे को उल्टा बनाएंगे तो अपने आप लूप आ जाएगी ऐसे। इस धागे को आप उतारना नहीं, बुन लेना, फिर अपने आप जाली बन जाएगी। धागा पीछे करें, ये देखिए इस फंदे को घुमा लीजिए ऐसे और इसके साथ अटैच करके एक बना दीजिए। बीच के तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे। अब दो फंदे यहाँ लेंगे तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे आगे की साइड से, अपने आप बराबर हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ लिया, दो फंदे उल्टा बुने और इस फंदे को ऐसे बुनेंगे तो ये जाली अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगी। इस प्रकार से आपको जाली डालनी है। अब जो जाली वाला फंदा है उसको आपको उल्टा बुनना है और ये दो फंदे जो हैं इनको आप सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर फाइव फंदे हम उल्टा बुनेंगे। अब ये देखिए दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके इस धागे को देखिए आप यहाँ से बुनिए, अपने आप जाली आ जाएगी ऐसे। ये उल्टा फंदा है और ये भी हमारी जाली है। इन तीनों फंदों को हम इस प्रकार से उल्टा बुन लेंगे, दो फंदे सीधा बुनेंगे, पीछे की साइड से आपको अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सा फंदा हमें सीधा बुनना है और कौन सा फंदा हमें उल्टा बुनना है। इस फंदे को उल्टा बुन ली और ये देखिए। अब ये जो जाली का बड़ा हुआ फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पर इस फंदे को बनाने के लिए धागा पीछे रखते हुए और हम इस प्रकार से आगे की तरफ बुनेंगे तो जाली बन जाएगी। दो फंदे उल्टा रखें, धागा पीछे करेंगे, वन फंदा घुमाएंगे और दो फंदे एक साथ लेकर एक बना देंगे। ये फंदा सीधा, ये दो फंदे का एक करेंगे। ये दो फंदे उल्टे,
यहाँ देखिए ये थ्री फंदे बन गए थे, अब इनके हम फाइव फंदे बनाएंगे। तो एक जाली यहाँ डल जाएगी, दो फंदे सीधे बुन जाएंगे और एक जाली हमारी इस साइड आएगी पीछे से आगे की तरफ बुनने पर। आप लूप भी ले सकते हैं लपेट कर, और ऐसे सिंपल जाली भी बना सकते हैं। दो का एक किया, एक फंदा सीधा बुना, ये देखिए दो फंदे एक साथ लेंगे ऐसे, दो का एक कर देंगे। डिब्बी के साथ हमने दो दो फंदे उल्टा रखे हैं और उसके बाद हमने जाली डाली है, ये देखिए। अब रॉन्ग साइड से जाली के बढ़े हुए फंदे उल्टा बुने जाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, थ्री फंदे यहाँ पर उल्टा बुनेंगे, दो फंदे सीधे, यहाँ पर हम फाइव फंदे उल्टा बुनेंगे। दो फंदे सीधे, थ्री फंदे उल्टा, दो फंदे सीधे और टू फंदे यहां पर उल्टे। अब देखिए थ्री फंदे बचे हैं यहां पर, अब इनको कैसे करेंगे ये देखिए आप। टू फंदे सीधे बुने, यहाँ पर जाली डालनी है तो आप लूप भी ले सकते हैं ऐसे घुमाकर। दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किया। अब ये थ्री फंदे हैं, इनको कैसे करेंगे, ये टू फंदे ऐसे लीजिए और ऐसे घुमा लीजिए। इस बीच वाले फंदे को हमने ऊपर रखना है, ऊपर रखेंगे तो इसकी शेप अच्छी आएगी और तीनों फंदों का एक बनाना है। दो फंदे उल्टे बुनेंगे, अब एक जाली यहां पर डालेंगे क्योंकि हमारे यहां पर फंदे कम हो गए हैं। अब फाइव फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक लूप यहाँ लीजिए आप ऐसे, दो फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे करिए और ये देखिए तीन फंदे सीधे हैं तो ये बीच वाला फंदा हमारा ऊपर आना है, तो ऐसे घुमाइए इसको, बीच की साइड से डालिए और ऐसे सिलाई को ऐसे घुमा दीजिए, अपने आप ऊपर आ जाएगा ये फंदा और इन तीनों फंदों का एक बना दीजिए, ये देखिए। दो फंदे उल्टे, यहां पर जाली डालेंगे तो आगे से पीछे की तरफ बनाएंगे, अपने आप जाली बन जाएगी, ये देखिए आप हमारी कितनी सुंदर डिब्बी बनकर तैयार हो गई है। इसी प्रकार से अब इसके ऊपर हम फर्स्ट रो डाली थी वे उसी प्रकार से डालना है, और डिब्बी पर डिब्बी बनाते हुए देखिए कितनी सुंदर मंजिल जैसे तैयार हो जाती है। अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।